हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम। वेलकम आपका मेरे चैनल मूवी देखियो नेवर लेट गो। अभी फिल्म ऑफिशियल अवेलेबल होगी जियो सिनेमा पर यार ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो हिंदी के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने फिल्म को कंप्लीट किया ना, तो इसे देखकर मेरा जो भी अच्छा बुरा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मुझे फिल्म में क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। देखो, फिल्म कहानी है बहुत ही ज़्यादा डल, यानी स्लो बेस की। पूरी दुनिया एक साथ मान चलो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। जो फिल्म में ऐसा प्लॉट सा दिखाया गया, एक माँ अपने बच्चों के साथ एक जंगल में रह रही है, अकेली सी बिल्कुल थी। उसे लग रहा है कि भाई पूरी दुनिया पर कोई शापित है, कोई आत्मा वगैरह है जो मतलब पूरी दुनिया पर राज कर रही है और उसको भी मार देगी। यानी उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है। बाद में उसे उस टाइप के ख्याल आते हैं, ऐसे इमेजन वो अपनी तरफ देखती है उस माहौल के अंदर। आगे इनकी लाइफ कैसे सर्वाइव होगी, उसके लिए आपको इस फिल्म को देखना पड़ेगा। तो इस फिल्म देखने के लिए ना आपको हिम्मत चाहिए, यानी बहुत ही ज़्यादा स्लो बेस, यानी हर 5-10-15-20 मिनट धीरे स्टेप बाय स्टेप ये फिल्म बढ़ती है। यानी कई ऐसी मूवी हम देखते हैं जो मिनटों में यार जोरदार लगती है, कहते हैं फिल्म तो यार बवाल थी जब मूवी ख़त्म करते हैं, लेकिन ये मूवी धीरे 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 चलती है। तो इतना मतलब अगर आप अपने अंदर कंट्रोल रख सकते हो, यानी पेशेंस रख सकते हो, तो ही फिल्म को देखना, वरना फिल्म को स्किप भी कर सकते हो। इसकी सिनेमेटोग्राफी, उसका स्क्रीन प्ले मुझे फिर भी ठीक लगा। जैसे जैसे मैंने फिल्म को कंप्लीट कर लिया, तो भाई फिल्म में मेरा रिव्यू बनता है वो मैंने आपको बता दिया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार है मूवी की रिव्यू ढूंढते हुए तो चैनल को भी सपोर्ट करना। आपको मेरे चैनल पर ऐसे ही कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता अगली वीडियो में ऐसी एक और मूवी का रिव्यू और अपडेट लेकर।